मुरादाबाद के बुद्धि विहार आवास विकास सेंट मैरी स्कूल के पीछे सरकारी पार्क की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा एक साल पूर्व मंदिर का निर्माण किया था। एक साल बीतने के बाद आवास विकास प्रशासन द्वारा आज मंदिर पहुंचकर सील लगा दी गई और कहा गया कि मंदिर सरकारी पार्क की जमीन पर बनाया गया है। मंदिर पर लगी सील की सूचना स्थानीय नागरिकों के साथ बजरंग दल शिवसेना को मिली तो मौके पर पहुंचे बजरंग दल और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी भी की। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यहां पर एक साल पूर्व मंदिर बनाया गया था, अब एक साल बीतने के बाद आवास विकास ने यहां सील लगा दी। स्थानीय नागरिकों का यह कहना है कि मंदिर का पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस मामले की तारीख 8 जुलाई रखी गई, मगर उससे पूर्व आवास विकास प्रशासन ने यहां पहुंचकर मंदिर को सील कर दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। काफी देर तक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा किया गया। विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि सरकारी पार्क की जमीन पर मंदिर का निर्माण किया गया था, जो पूरी तरह गलत है, जिसको लेकर आवास विकास कार्यवाही कर रहा है। स्थानीय नागरिकों का यह कहना है कि सभी स्थानीय नागरिकों के सहयोग से यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया था। सिटी चैनल से बात करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। भैया, ये आप मंदिर देख रहे हैं, हमारा नीलकंठ महादेव मंदिर, ये पिछले साल सभी लोगों की मेहनत से बनाया गया मंदिर है। यहाँ कुछ स्थानीय निवासियों के द्वारा विरोध किया गया। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, काफ़ी इसकी स्थिति खराब थी, तो सभी लोगों के सहयोग से इसका जीर्णोद्धार कराया गया। तो इसमें लोगों ने विरोध करा तो हम लोगों ने सभी लोगों ने सहयोग से प्रशासन से बात करके इस मंदिर को बनाया। इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, एक साल पूजा करते हुए हो गया हम लोगों को। आज कुछ लोगों ने फिर इस पर आकर प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर सील लगा दी गई है, कह रहे हैं कोर्ट का आदेश है। हमने भी कोर्ट का आदेश देखा, उसमें मंदिर को यथास्थिति स्थिति रखने का प्रावधान है कि मंदिर यथास्थिति रहेगा। डीएम साहब से भी हर चीज़ बात होगी। रिएक्शन साहब पहले भी जब आए थे तो उन्होंने जो है निर्माण चल रहे कार्य पर उन्होंने जूता पहन के मंदिर पर चढ़ गए थे। उनकी मानसिकता जो पूरी तरह से लगती है हिंदू विरोधी मानसिकता है, वो आए दिन इस तरह की हरकत। पिछली बार भी उन्हें समझाने के बाद भी उन्होंने मंदिर तोड़ा, हर चीज़ करी, फिर वो काफ़ी दिनों से लापता रहे। आज फिर आए, उन्होंने सील कर दी। हम आदेश मांग रहे हैं कि आदेश दिखाइए कि इस पर लगाने का आदेश कहाँ है। अभी डीएम साहब से बात करने के लिए कुछ लोग गए हुए हैं। अगर इस मंदिर पर कार्रवाई बिना किसी प्रावधान के होती है तो बजरंग दल शहर में शांत नहीं बैठेगा। जो पहले हमने करा वो अब करेंगे। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम बाधित नहीं हैं। जो भी हमें करना होगा, अभी कुछ कार्यकर्ता इसलिए रुके हुए हैं, सीओ साहब और अधिकारियों के भी आश्वासन है कि आप अभी रुकें, हम आपस में बात करके अभी आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद अगर हमारे 24 घंटे या 12 घंटे में जो भी समय है निर्धारित समय के अंदर कुछ हमें सही प्रावधान मतलब सही सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो उसके बाद बजरंग दल पूर्णतः स्वतंत्र है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। सिर्फ ये कहना है जिन लोगों का ये अड्डा था वो लोग आज बिखला रहे हैं, खाली मूली वो समाज में माहौल ख़राब कर रहे हैं। मंदिर बनने के बाद, पूजा होने के बाद, एक साल बाद इस तरह की हरकत हो रही है। वो आदमी अपने आप को हीरो बनना चाह रहा है या समाज में भ्रामकता फैलाना चाह रहा है, इससे समाज का माहौल ख़राब होता है। मेरी एक प्रशासन से ये भी विनती है कि जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करी जाए, जिससे आए दिन प्रशासन को और आम जनमानस को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रोज सड़कों पर ना आना पड़े और प्रशासन और हमारे बीच का किसी तरह से मेल मिलाप खराब ना हो। मतलब आप ही चाहते हैं जो मंदिर जैसे चल रहा है। हाँ, मंदिर पर यह आया था कि इस पर कोई निर्माण कार्य ना हो। मंदिर आप देख सकते हैं पूर्णतः बना हुआ है, एक साल पहले की फाइल करी हुई है, अब जाकर उस पर आदेश लगा रहे हैं। और जबरदस्ती अपनी तरफ से ही कि ये निर्माण कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा, आप देख सकते हैं वीडियो अंदर से बाहर तक जो भी देख सकते हैं, सब कार्रवाई पहले हो चुकी है। इसमें आप कोई निर्माण कार्य नहीं है, पूजा दिनचर्या जो है प्रतिदिन नियमित रूप से चल रही है और वो चलती रहेगी। इसके अलावा हम कुछ नहीं, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी जब जब यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जब मंदिर के साथ कुछ विपदा आती है, स्थानीय निवासी अपना, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, किसी प्रकार का कोई अन्य काम नहीं कर रहे, मोहल्ले के लोग यहाँ पर आके पूजा करते हैं, नियमित रूप से पूजा चल रही, शांति व्यवस्था सब बनी हुई है, बात की ये सब बातें हो रही हैं।